नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर में सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना के निश्चय से लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल शामिल है। लेकिन आपको बता दें, जब हमारी एचबीएन न्यूज की टीम खानपुर प्रखंड के कुछ गांव में पहुंची तो वहां पर नल जल योजना से काफी लोग आक्रोशित थे। बिहार के समस्तीपुर के विकसित बिहार के सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल निश्चय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल भी शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि खानपुर प्रखंड के अंतर्गत श्रीपुर गहर पश्चिमी ग्राम हसुपुर वार्ड नंबर 10 में जब एचबीएन न्यूज की टीम पहुंची तब वहां पता चला कि नल जल योजना में काफी जनता आक्रोशित है। 10 नंबर वार्ड के प्रमोद पोदार से जब बात किए तो उन्होंने बताया कि रमेश मांझी मुखिया ने मुझे लेट से ही आवंटन दिलवाया, इसलिए लेट से नल जल योजना 10 नंबर वार्ड में शुरुआत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। तो आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज चैनल में पंकज कुमार कर्ण। अभी हम पहुंचे हुए हैं श्रीपुर गहर पश्चिमी, जानते हैं नल जल योजना के तहत वार्ड नंबर 10 में है। मुखिया जी यहां तो बहुत वादे करते हैं कि जितने भी इनका वार्ड है सभी पर नल जल का काम पानी भी चल रहा है, लेकिन जब यहां पे आते हैं तो हकीकत पता चल रहा है कि 10 नंबर वार्ड में अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और हम बात करेंगे यहां के जनता से, और मुखिया जी रमेश मांझी जो है यहां प्रेजेंट में, जब इनसे हम लोग बात किए थे तो बताए कि सभी जितने 11 वार्ड है सभी में हमने जल नल योजना का जो है सारा चीज व्यवस्था कर दिए हैं। हम बात करते हैं यहाँ के जनता से, 10 नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर बात करते हैं इनका। देखिए, सबसे पहली बात है कि पंचायत में आज सबसे बाद में हमारे खाते पर पैसा मुखिया द्वारा प्राप्त किया गया। उसके बाद जमीनी विवाद में प्रेशर में रहे, परेशानी रही, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया तो सच्चाई यही है कि एक एक जनता से मेरे वार्ड के बारे में पूछ लिया जाए। जहाँ तक हमारे सामने चंदन जी कहे हैं कि पानी वार्ड मेंबर का है, आजकल लगेगा लगेगा लगेगा। हमारे यहाँ बोरिंग कर गया, बोरिंग करने के बाद मैंने पाइपिंग लाइन शुरू कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किए कि 11 नंबर के कुछ दलालों के बीच फेरे में पड़ करके 10 आदमी 10 को कनेक्शन ले लिए, जिसका परिणाम है और उधर हम जो कनेक्शन ले जा रहे हैं वहाँ के लोग और कुछ गलत तत्व द्वारा हावी होकर के पाइपिंग लाइन उधर जाने मुझे नहीं दिया। जनता से पानी के लेके नल जल के योजना के लिए क्या यहाँ पे कठिनाई हो रही है बताइए, पानी के लिए क्या यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। क्या दिक्कत है पानी? हम लोग 10 वार्ड में हम लोग अभी तक घर में नल तक नहीं गया है। कितना दिन से पानी का यहाँ पे समस्या आप लोग नल जल की बात हो रही है? बहुत दिन से हो रही है। तो पानी पीने के लिए आप लोग कहाँ से लाते हैं? बगल में चंपा कल वही से लाते हैं। तो यहाँ का जो है वार्ड मेंबर कौन है? प्रमोद पदार्थ। वो क्या कह रहे हैं इसमें बात करते हैं? बात करते हैं तो बोल रहे हैं हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन ही दे के रह जाते हैं यहाँ का वार्ड मेंबर। और चलिए बात करते हैं इनसे, अपना नाम बताएं। लालवाल ठाकुर। कब से ये आपका पानी के लेकर नल जल की योजना के लिए आप लोग को यहाँ पर कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है? अभी तक तो ये चालू ही नहीं हुआ है। कितना दिन से लगभग ये बन के तैयार है जो अभी आप लोग को? एक महीना से ये बन के तैयार है। आपको बता दें कि एक महीना से ही इसका स्ट्रक्चर मतलब बनने के लिए तैयार, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पानी के लेके काफ़ी समस्या है और नल जल योजना में घोर लापरवाही भी है।